नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस एजुकेशन में। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे दो बातें करना चाहूँगा, जिसमें से पहली जो बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कई मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर इतने सारे मंदिर हैं वो याद कैसे होंगे, बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो क्या है कि देखिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनको याद करने के अलावा। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ठीक है, आप मत देखो वीडियो, मत याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिल रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हम पहले से अगर ये सोच लेंगे कि इतने सारे मंदिर हैं हम नहीं कर पाएंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सोच लें कि हम कर लेंगे तो हम कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि मैंने आपको कई बार ये चीज बताई वीडियोज में कि जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई क्लास में पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है ट्यूशन में कि जो हमें बोर्ड पर पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर हो रहा होता है। ऐसे ही सेम आपका वीडियो क्लासेस का है। यहां पे आप देख भी रहे हो चीजों को, यहां पे आप सुन भी रहे हो चीजों को, तो जब आपको व्यापम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसके जो जो ऑप्शंस होंगे, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन ऑप्शंस को देख के आपको ऑटोमेटिक स्ट्राइक करेगा कि यार ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका माइंड डे बाय डे इन चीजों सब चीजों को याद करता ही जा रहा है। तो ये सब चीजें आप ना सोचें। खैर, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्वालियर संभाग के सभी मंदिर और संरक्षित स्मारकों के बारे में। तो जो मंदिर हैं वो अभी पटवारी में पूछे जा रहे हैं, बाकी जो संरक्षित स्मारक हैं ये भी आपसे किसी न किसी एग्जाम में महल के रूप में या दुर्ग के रूप में ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ग्वालियर। तो ग्वालियर जिले में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, ग्वालियर के जितने भी स्मारक हैं उनमें से ज्यादातर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ग्वालियर एक छोटा सा महानगर है और यहां काफी इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारे जो क्रांतियां हुई हैं, जैसे 1857 की क्रांति हुई है, सिंधिया थे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थी, तो यहां पे बहुत सारे आपको महल देखने को मिलेंगे। चलिए, खैर, लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में पड़ती है आपकी। रासलीला घर ये आपका बरई में पड़ता है, बरई नामक जगह है वहां पर ये पड़ता है, ये भी आपका ग्वालियर में ही पड़ता है। फिर आपका मोती महल ये आपका ग्वालियर में है, ग्वालियर तहसील में भी आता है। ग्वालियर किला दीवाल व बुर्ज, ठीक है, ये भी आपका ग्वालियर में पड़ता है, ग्वालियर में ही है। कर्ण महल ये भी आपका ग्वालियर में है, विक्रम महल ग्वालियर में है, जहांगीर महल और शाहजहां महल ये भी आपका ग्वालियर में है। और ये देखिए आप, ये चारों 16वीं शताब्दी में बनवाए गए थे। फिर आपका जौहर कुंड, देखिए कुछ ये जो अभी यहां पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, इसके अलावा जो हमारा ग्वालियर जिले का जो वीडियो होगा उसमें हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि कौन सा महल किसने बनवाया था, तो वो हमारा जो जिलेवार जो वीडियो है उसमें चलेगा। अभी थोड़ा उस सीरीज को मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं, कुछ जिले ही मैंने बनाए थे, आगे उसको बढ़ाऊंगा मैं। लेकिन फिर हमारा जौहर कुंड भी आपका ग्वालियर में है, भीमसेन राणा की छत्री भी ग्वालियर में है, गुजरी महल जो है आपका ये भी ग्वालियर में है, धूमेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका ग्वालियर में है, धूमेश्वर कर की जगह है वहां पर, ये भितरवार में है आपका, भितरवार तहसील। फिर आपका लधेड़ी गेट ये भी आपका ग्वालियर में है, झील मिलेश्वर महादेव मंदिर ये तानसेन की साधन स्थली थी, बैहट करके जो जगह है ये वहां पर है, ग्वालियर तहसील में ही पड़ता है। फिर आपका बैहट ये आपका जो है ग्राम बैहट ही है उसमें ये पड़ता है, और ये भी हमारा कहां पड़ता है, ग्वालियर में। और ये आप देखिए ज्यादातर आपके 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के बनाए हुए हैं, हालांकि शताब्दी हमें याद नहीं करना है, जनरली शताब्दी वैसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन कुछ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी शताब्दी भी आप अगर याद कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल एक एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर आते हैं हम शिवपुरी के ऊपर। तो शिवपुरी में भी बहुत सारे हैं, और शिवपुरी में देखिए नरवर का किला और अन्य स्मारक। तो नरवर का किला ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करेरा तहसील में पड़ता है, 13वीं-14वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। फिर एक शिव मंदिर है जो चोरपुरा में है, शिव मंदिर जहां तक मुझे याद है अभी पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
ठीक है, ये शिवपुरी में ही पड़ता है आपका, तहसील में। ये सूर्य मंदिर शेषई में पड़ता है, ये भी पूछा जा चुका है अभी हाल में पटवारी में। और कोलारस जो तहसील है उसमें ये पड़ता है। फिर आपका तात्या टोपे स्मारक पार्क, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी हमारा शिवपुरी में ही पड़ता है। फिर कोठी नंबर 17, हालांकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कुछ प्राचीन मंदिर और मूर्तियां हैं जो कुंडलपुर में है, कुंडलपुर तहसील में ही पड़ते हैं। जैन मंदिर और प्राचीन प्रतिमा, ये बूढ़ी राई जो जगह है वहां पर है, कोलारस तहसील में है। किला करेरा, मतलब करेरा का जो किला है, करेरा में ही पड़ता है, करेरा तहसील में भी आता है। पिछोर का किला, ये पिछोर में पड़ता है और ये हमारा शिवपुरी तहसील में पड़ेगा। फिर कुटिया मठ, तो ये कुटिया मठ एक्चुअली एक बौद्ध मठ है जो राजपुर में पड़ता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में अभी, तो इसको आप ध्यान रखें, ये पिछोर में आपका पड़ता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो अभी पैटर्न पूछा जा रहा है एग्जाम में, उस पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे आपका कुठिया मठ है, ठीक है, तो ये जगह इसकी पूछी जा रही है कि किस जगह पर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा डीप में जाके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप में इसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर एक प्राचीन गढ़ी है, ये कछुआ में है, पिछोर तहसील में। धर्म तलैया है, ये ग्राम सिंदरपुर में है जो आपका नरवर तहसील में पड़ता है। अब आते हैं हम अशोकनगर, तो यहां तो कुछ ज्यादा ही हैं, स्पेशली यहां जो चंदेरी है, तो चंदेरी में काफी ऐसी जगह हैं जो पुरातत्विक जो अपना है मध्य प्रदेश का, उसमें है, मतलब उनको उनको संरक्षित कर रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो इसमें नयापुरा की दो छतनियां हैं, चकला वावड़ी की दो छतनियां हैं, बहटी मठ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ग्राम बहटी में पड़ता है और चंदेरी में ही आपका ये आता है। फिर सागर छत्री है, जागेश्वरी देवी का मंदिर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरानी कचहरी है, नरसिंह मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत शाही की छतरी है, ये पड़ती है परमेश्वरा ताल चंदेरी में ही, और ये सारे देखिए आप चंदेरी तहसील में ही आ रहे हैं। फिर देवी सिंह की छतरी परमेश्वरा ताल चंदेरी, अनिरुद्ध सिंह की छतरी बहादुर जू, जो दुर्जन सिंह के नाम से भी जानते हैं उनको, उनकी छतरी भी है धोबिया तालाब पे। हरकुंड की छतरी है, पंचमढ़ी बावड़ी है, ये बावड़ी भी पूछी जा सकती है क्योंकि बावड़ी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है काले सैयद का मकबरा काला पहाड़ चंदेरी, सूफी संत का मकबरा धोबिया तालाब चंदेरी, शेखों का मकबरा चंदेरी और दिल्ली दरवाजा चंदेरी। तो ये आप सुन लें, केवल पढ़ लें एक बार और डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन करके ही आओगे। फिर आपका खिलजी सराय, ये आपके सब चंदेरी में देखिए। फिर है मदरसा दरवाजा मिला ग्राउंड, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। कुरबानी चबूतरा, ऊंटसार चंदेरी, सुल्तानिया मस्जिद, ये देखिए फतेहाबाद में है। और झलारे के मझार दो होंगी एक्चुअली है, ठीक है। हौज खास चंदेरी में ये पड़ते हैं। गोल वावड़ी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। हंसों की छतरी, सूफी दरवाजा छतरी, हौज खास में है चंदेरी में। मूसा बावड़ी भी है, ये बावड़ी एक्चुअली पूछी जा रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट आपकी हो सकती है। फिर चकले की खिड़की जो खारी बावड़ी है, ये भी चंदेरी में आता है आपका। कांजी बावड़ी चंदेरी में है। आलिया मस्जिद ग्राम फतेहाबाद चंदेरी में है। फिर आपका जो सूफी मकबरा है खानकाह दरगाह मरुहम शाह बलायत परिसर, उसमें है आपका ये सूफी मकबरा। आलिया बावड़ी है फतेहाबाद में है। तपा बावड़ी है, पांडे बावड़ी है, ये थे आपके चंदेरी में बावड़ी, मतलब चंदेरी में देखिए सबसे ज्यादा अभी तक अपने को बावड़ियां यहीं पर मिली हैं। फिर चंदाई बावड़ी, अकोल बावड़ी, फिर झलारी बावड़ी है मुरादपुर में। फिर है जना जन वावड़ी, ये प्राणपुर में है। गचऊ वावड़ी प्राणपुर में है। हजीरा जो लाल वावड़ी कहलाती है, लाल वावड़ी सराय में है। फिर है मचला वावड़ी ग्राम हलनपुर में ये है। अब ये आप देखिए बावड़ी सारी आप देख लीजिए। इसके अलावा शैल चित्र लिखी दांत, ये ग्राम नानून नानून में आपका है और ये प्रागैतिहासिक काल का बना हुआ है। फिर है छोटी बत्तीसी बावड़ी, फूटी बावड़ी, लाल पीर, राजा बावड़ी, पुरानी अदालत चंदेरी, काजी मकबरा, सती छतरी, सिंचाई विभाग परिसर में ये है आपकी मकबरा समूह, तकिया काला पहाड़ जो जगह है वहां पर चंदेरी में है, तमेरे की छतरी, अटखंबा धोबिया तालाब चंदेरी। तो इतने आपके ये चंदेरी में, मतलब देख लीजिए बावड़ी सबसे ज्यादा अपने को यहीं पर ही मिली है, छतरी भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अपने को यहीं दिख रही है अभी फिलहाल। फिर है हमारा गुना, देखिए गुना में किला बजरंगढ़, ये आपका है 17वीं शताब्दी का बना हुआ, और राजमहल सोबत बजरंगढ़, ये दो प्रमुख रूप से आपके गुना में है, दोनों 17वीं शताब्दी के बने हुए हैं। फिर आ जाते हैं हम दतिया, तो दतिया में देखिए महाराजा परीक्षित की छतरी,
फिर महाराजा इंद्रजीत की छतरी, भवानी सिंह की छतरी, महाराजा शाहकर्ण की छतरी, ये तो इतनी छतरियां हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद महारानी शाहकर्ण की छतरी भी यहाँ पर है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम शिव मंदिर जो भारौली में है, ठीक है, सुरई जो आपका सिकंदरपुर में है। फिर आ जाते हैं हम बावड़ी, प्राचीन ग्राम चंक चंदैया, बावड़ी देवस्थान ग्राम सरौली, ये दो बावड़ी यहां पर हो गई। फिर एक प्राचीन बावड़ी अस्पताल परिसर के अंदर है। फिर बेटी कुंजा देवी मंदिर इंदरगढ़, ये बेटी कुंजा देवी मंदिर पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, इनकी जो तहसील है, जैसे देखिए आपका ये शिव मंदिर जो भारौली है भांडेर तहसील में पड़ता है, ठीक है, और आपका जो सुरई सिकंदरपुर है ये भी आपका भांडेर में पड़ता है, बाकी सब दतिया तहसील में ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे ग्वालियर संभाग के कुछ मंदिर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।